टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सच इज़ द फैक्ट इज इन केस ऑफ के बजाय सेम इज़ द फैक्ट इन केस ऑफ ले लिया करो, एंड सेम इज़ द फैक्ट इन केस ऑफ स्पेंडिंग लेजर टाइम बाय चिल्ड्रन इन माई ओपिनियन। अब यहाँ पर आपने ये जनरल स्टेटमेंट तो लिखी, टेक्नोलॉजी ने हर एक आस्पेक्ट को चेंज कर दिया और सेम ही लेजर टाइम के बारे में है, लेकिन यहाँ पर ना क्वेश्चन भी अभी क्वेश्चन था टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया कि किस तरीके से चिल्ड्रन लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो एक बार अलग से रिफ्रेज हो जाता तो बेटर लगता, लेकिन ये तो जनरल स्टेटमेंट में आ गया। देन इनमें हाँ, तो यहाँ पर हम रिफ्रेस किस तरह से कर सकते थे, जैसे लिखा न्यू टेक्नोलॉजीज़ ने चेंज कर दिया वे चिल्ड्रन स्पेंड फ्री टाइम, तो न्यू द टेक्नोलॉजी या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी हैज़ डिवाइस्ड नॉवल वेज नॉवल होता है न्यू NOVAL नॉवल वेज उसने डिवाइस कर दिए हैं या डिवाइस इन्वेंटेड नॉवल वेज फॉर चिल्ड्रन टू स्पेंड देयर लेजर टाइम फॉर चिल्ड्रन टू स्पेंड देयर आइडल टाइम, तो नए तरीके या फिर नाउ अ डेज चिल्ड्रन ओइंग टू टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन स्पेंड देयर आइडियल टाइम इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैनर एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, टेक्नोलॉजी के कारण कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से वो आइडियल टाइम स्पेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट, मीन्स वो चीज़ एक बार रिफ्रेजिंग नहीं आई सीधा ही लाइक जनरल स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है ओपिनियन आ गया, मीन्स नो डाउट आपके जनरल स्टेटमेंट में ये थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा ही था लेकिन अलग से क्वेश्चन को रिफ्रेज करना है उसके बाद। इन माई ओपिनियन डिस्पाइट सर्टेन मैरिज ओवरऑल रेमिफिकेशन आर हेफ्टियर, दिस इज़ फाइन। यहाँ पर ये ब्लैंक लाइन क्यों नहीं छोड़ी आपने इंट्रोडक्शन के बाद, फिज़िकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स आर इफेक्टेड, फिज़िकल हेल्थ जो है इफेक्ट होती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट इफेक्ट होते हैं, स्टूडेंट्स आर इफेक्टेड, फिज़िकल हेल्थ इफेक्ट होती है, तो हेल्थ के लिए हम क्या लेंगे इज़ या आर, फिज़िकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट इज़ इफेक्टेड इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग देयर फ्री टाइम, इन्वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट तो पॉजिटिव वर्ड हो गया ना, आप यहाँ पर कह रहे हो कि वो मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं तो इफ़ दे आर यूटिलाइजिंग ही आएगा, इन्वेस्ट नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट एक पॉजिटिव वे में अगर स्पेंड करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसके रिटर्न्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, तो इफ़ दे आर यूटिलाइजिंग देयर फ्री टाइम ऑन इन मोबाइल फोन्स इंस्टेड TEAD आएगा INSTEAD इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आउटसाइड, दिस कैन हैम्पर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दिस कैन हैम्पर के बजाय उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लो ना, थोड़ा सा सेंटेंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, विच कैन हैम्पर या फिर जब हम रिजल्ट देते हैं तो कॉमा प्लस वर्ब प्लस ING से कि कॉमा प्लस वो प्लस ING जब रिजल्ट सेम सेंटेंस में देना हो तो कैसे आ जाएगा, कॉमा हैम्परिंग द हैम्पर करते हुए कॉमा हैम्परिंग द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, OALL आएगा ऑलराउंड में, सर्वे के स्पेलिंग भी गलत हैं, वी आता है यहाँ पे SURVEY इन इंडियन टाइम अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, इन्हीं सर्वे बाय उसके द्वारा किया गया सर्वे बाय इंडियन टाइम्स ले लो यहाँ पर, एंड टाइम का भी टी कैपिटल इसको अपोस्ट्रोफी एस में ले लो, सॉरी दोनों तरफ यहाँ दोनों कॉमर्स में, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल गेम्स आर रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल वर्जन विच इज़ मेकिंग चिल्ड्रन लेथार्जिक, तो ये एक सर्वे है, ये तो अगेन ऐसा लग रहा है कि आइडिया ही लिखा हुआ है वही चीज़ नॉर्मल तरीके से, सर्वे में तो कुछ डाटा होता है कुछ फिगर होती है, सारी फिजिकल गेम्स रिप्लेस कर दी है वर्चुअल गेम्स ने, या वेट लेट मी एनालाइज, तो सर्वे में डाटा होता है जैसे हम कह सकते हैं, पहले तो ये चीज़ जो है ऊपर ही आएगी कि फिज़िकल गेम्स की जगह लोग वर्चुअल गेम्स खेल रहे हैं, तो ये भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही है, जैसे आपने हम मोबाइल फ़ोन का कहा उससे फिज़िकल हेल्थ आपने कहा, लेकिन अब एक और कुछ और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना है, पहले मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ, एग्जाम्पल में यहाँ पर किस तरह से आएगा कि 60 मतलब जब सर्वे किया गया और एज़ पर अ सर्वे डन बाय इंडियन टाइम्स ऑन, अगर सर्वे का टॉपिक यहाँ पर आ सकता है कि ऑन प्रेफरेंस टुवर्ड्स गेम्स की के तरफ प्रेफरेंस पर सर्वे किया गया, तो इट वाज तो ये पाया गया एज़ पर या अकॉर्डिंग टू से स्टार्ट किया हुआ तो इट वाज फाउंड नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एज़ पर अ सर्वे कंडक्टेड बाय टाइम्स न्यूज़ ऑन प्रेफरेंस ऑफ गेम्स 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं मंगोल 60% ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर्ड वर्चुअल गेम्स ओवर फिजिकल गेम्स, तो 60% या 70% ने वर्चुअल गेम प्रेफर की जब उनको प्रेफरेंस के बारे में सर्वे किया गया, तो इतने परसेंट स्टूडेंट हैं और कहाँ किए गए ये भी ले लेंगे, एज़ पर अ सर्वे कंडक्टेड बाई टाइम्स न्यूज इन न्यू दिल्ली या इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया तो यह पाया गया।
तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर हायर बैंड स्कोर्स, तो ये मतलब टास्क बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए विद सम डाटा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है बॉडी पैराग्राफ की, आई थिंक मैंने आपको भेजे थे कि लाइक पहले की बात है, यहाँ पता नहीं शायद ना बताया हो तो मैं अभी बता देती हूँ, उसके बाद डेमो बॉडी पैराग्राफ्स भी आई विल सेंड। तो यहाँ पे क्या है कि आपने बॉडी पैराग्राफ को एक्सप्लेन ही नहीं किया, टास्क कोहेरेंस एंड कोहेजन और टास्क अचीवमेंट दोनों में ही बैंड डिटेक्ट होंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने सिर्फ लिखा है कि फिजिकली उनको प्रॉब्लम होगी, आपने सिर्फ लिखा है, ठीक है, आपने उसको कैसे उसका हाउ भी बताना होता है कि कैसे, उसके बाद एग्जांपल आता है। मतलब ये आपका मेन आइडिया आ गया, फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट आर अफेक्टेड, फिजिकल हेल्थ इज़ अफेक्टेड। तो पहले अपने टॉपिक सेंटेंस में मेन आइडिया बताया कि फिजिकल हेल्थ जो है स्टूडेंट्स की अफेक्ट हो सकती है, कैन बी अफेक्टेड इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग देयर फ्री टाइम, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्री टाइम, सॉरी इफ दे आर स्पेंडिंग देयर फ्री टाइम और मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ। तो उसके बाद यहाँ पर आएगा टू बी मोर प्रिसाइज कि वो कैसे अफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर दिस कैन हैम्पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ले लो फिर टू बी मोर प्रिसाइज फिजिकल हेल्थ कैसे इफेक्ट होगी उसको ये भी तो बताओ। पहले व्हाट, ये याद रखना, पहले व्हाट लेना है फर्स्ट सेंटेंस में, यानी आपका मेन आइडिया कि क्या होगा, लाइक अगर एडवांटेज बता रहे हो तो वो एडवांटेज मेन एडवांटेज बता दूँ, फिर टू बी मोर प्रिसाइज के बाद आपने हाउ बताना है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि वो कैसे होगा, लाइक कॉन्स्टेंट सिटिंग या कॉन्स्टेंट सिट रिमेनिंग ग्लू टू द कंप्यूटर स्क्रीन कॉन्स्टेंटली विदाउट मूविंग विद मिनिमल बॉडी मूवमेंट्स, या अमाउंट्स टू मिनिमल बॉडी मूवमेंट्स, अमाउंट्स टू मीन्स रिजल्ट्स इन के लिए अमाउंट्स टू तो रिमेनिंग ग्लू टू द टीवी स्क्रीन ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस अमाउंट्स टू मिनिमल और नो बॉडी मूवमेंट्स एट ऑल। तो इससे क्या होता है, विच यू कैन से टर्न्स इंटू अ लाइफ स्टाइल, और यू कैन से विच ग्रेजुअली टर्न्स इंटू अ लाइफ स्टाइल और विच ग्रेजुअली डेवलप्स अ लैकेडाइसिकल एटीट्यूड। लैकेडाइसिकल एटीट्यूड मीन्स लेजी एटीट्यूड, LACKADAISICAL, ये स्पेलिंग देख लेना, LACKADAISICAL, विच डेवलप्स अ लैकेडाइसिकल एटीट्यूड, यू कैन से ग्रेजुअली इससे लेजी एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, लेजी के लिए लैकेडाइसिकल एटीट्यूड कहेंगे। तो उसके बाद जिससे कि जो है ग्रेजुअली ये डिसीज़ को इनवाइट देता है, लाइक ओबेसिटी एंड जो भी डिसीजेज हैं एग्जांपल्स। तो ये सर आपका प्रूव हो गया कि कैसे फिजिकल हेल्थ जो है टेक्नोलॉजी की वजह से, सीधा ये नहीं बताना कि क्या क्या हुआ, वो कैसे हुआ, पूरी स्टोरी उनको बतानी है, फिर एग्जाम्पल देना इस तरह से। सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट ड्यू टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड चिल्ड्रन लेजर एक्टिविटी इज दैट नाउ दे आर मोर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टडीज लीड्स टू नी लीडिंग टू, या तो विच लीड्स टू से रिजल्ट देंगे, या तो कॉमा के बाद दिया तो लीडिंग टू आएगा, लीडिंग टू पुअर एकेडमिक रिजल्ट्स। टू बी मोर प्रिसाइज दिस इज टेक्नोलॉजी गिवन डिवाइसेस एक्ट कैन एक्ट एज अ ग्लू फॉर स्टूडेंट्स एंड एवरी मोमेंट दे वॉन्ट टू यूज दैम, तो ग्लू की तरह एक्ट नहीं कर सकते ये थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी गिवन डिवाइसेज की बजाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिवाइसेज होते हैं, DRIVEN, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिवाइसेज, टेक्नोलॉजी के द्वारा चलाए गए डिवाइसेज यू कैन से आर इरेजिस्टेबल, या फिर इट इज़ इरेजिस्टेबल, यू कैन से बिकम एन इरेजिस्टेबल टेम्पटेशन, या एडिक्शन बन जाते हैं, या टेम्पटेशन बन जाते हैं, टेम्पटेशन आप समझ रहे हो क्या, अट्रैक्शन। इरेजिस्टेबल मीन्स जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, इट मीन्स स्टूडेंट्स कैन नॉट रेजिस्ट देयर टेम्पटेशन टू यूज़ देम ग्रेजुअली, या टू चेक देम आउट ऑन ग्रेजुअल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्लेथोरा ऑफ एंटरटेनमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, लाइक तो यहाँ पर एग्जाम्पल सीधा आ गया। यहाँ पर आपने मेन आइडिया आपका क्या था, स्टडीज हैम्पर होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर पहले उस रिजल्ट तक पहुँचो, आपकी एक्सप्लेनेशन में भी उस रिजल्ट तक आपने पहुँचना है, मतलब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लाइक मिनट बाय मिनट उसको चेक करते हैं, जिसकी वजह से दे आर लेफ्ट विद लिटल और नो टाइम टू डिवोट टू देयर स्टडीज़, तो जिसका सीधा जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ग्रेड्स पे पड़ता है। पहले उस रिजल्ट तक पहुंचो, फिर एग्जांपल, बहुत छोटी छोटी बातें, ये चीज़ मतलब मैं नहीं चाहती कि सेवन बैंड्स टारगेट कर रहे स्टूडेंट को मुझे समझानी पड़े नेक्स्ट टाइम। तो नेवर डू दिस इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड वॉन्ट टू यूटिलाइज योर टाइम।
ये भी हमने एग्जांपल जो कहा कि हाँ बहुत सारी जो गेम्स है ये है वो है जो फ्रूटफुल नहीं होता, ये ऐसा ही कुछ लिखा था आपने, बट सर्वे को एग्जैक्ट रखो, एग्जैक्ट मीन्स उसमें फिगर्स हो तो अच्छा लगता है, वो बिलीवेबल बिलीवेबल सर्वे लगेगा। तो उसमें आप लोग के इतने परसेंट एक सर्वे हुआ, इसमें पता चला कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स के लो ग्रेड्स के पीछे का जो कारण था वो वीडियो गेम्स था। इन द करंट वर्ल्ड स्टूडेंट्स आर मोर अवेयर अबाउट टेक्निकल इन्वेंशन, नाउ दे आर मोर इंजीनियस एंड शार्प वेटेड, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑपरेट मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट्स विच इज़ डिफिकल्ट फॉर फ्यू और एल्डर्स, दे आर नाउ मोर कनेक्टेड टू टेक्निकल वर्ल्ड विच कैन इंक्रीज द टेक्निकल एंड कॉग्निटिव स्किल। लेट मी एनालाइज, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है, अगेन मैं चाहती हूँ लेकिन हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपके उसमें हो, लाइक ये इंजीनियर शार्प विटेड के बाद ये वाली लाइन रहने दो, और वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस कॉग्निटिव थिंकिंग इस शार्प विटेड ये वो क्यों हुए, हाउ कैसे हुए, ये चीज़ ये हाउ यहाँ पर भी नहीं आया। मीन्स हम ये कह सकते हैं कुछ वीडियो गेम्स जो हैं पजल गेम जो हैं वो इतनी ज़्यादा लाइक वो उनको फोर्स करती हैं सोचने पर, उन्हें सोचना पड़ता है टू सॉल्व दोज क्ल्यूज एंड पजल्स टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, इससे वो कॉग्निटिव स्किल इनकी इंप्रूव होती है। कहीं मॉडर्न डे वीडियो गेम्स एंड सिमुलेशन गेम्स होती हैं, सिमुलेशन मीन्स जिसमें लाइक हम वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करके दिया जाता है, जिसमें हम लड़ रहे हैं कार चला रहे हैं नकली का, तो वो सिमुलेशन गेम्स या फिर पजल गेम्स होती हैं जो एक स्टूडेंट को थ्रिल देने के साथ साथ उन्हें क्या करती है सोचने पर मजबूर करती हैं। दे कोर्स COERCE कोर्स होता है फोर्स, तो कोर्स देम इनटू थिंकिंग, कोर्स के साथ इंटू लगता है फिर वो प्लस ING, द कोर्स देम इनटू थिंकिंग मींस उन्हें फोर्स करते हैं इनटू थिंकिंग डीपली इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि उस पजल को पर्टिकुलर पजल को सॉल्व करें नेक्स्ट, इससे क्या होता है कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप होती है। तो वो उसको प्रूव करना है, सिर्फ मेंशन नहीं करने अपने फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को प्रूव करना है। कंक्लूजन इज़ फाइन, तो जिस तरह से पॉइंट हमने ऊपर ऊपर के हम देते हैं ना वो कंक्लूजन में देते हैं, जैसे आपने कहा कि हाँ फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगी, ग्रेड्स इफेक्ट होंगे, लेकिन BPs में तो हमें पूरा हाउ बताना पड़ता है कि कैसे होंगे। एंड ये जो वेरी लेस अपसाइड्स है, वेरी लेस अपसाइड्स की बजाय फॉर्मल लैंग्वेज चूज की जा सकती थी, ओनली मिनिमल अपसाइड्स आर देयर, हैंडलिंग ऑफ टेक्निकल डिवाइसेज इज इजी। हम एक बार अपना ओपिनियन भी रिपीट करेंगे हमेशा कंक्लूजन में, और हर तरह के क्वेश्चन में जिस तरह का भी ओपिनियन मांगा गया, जैसे इसमें पूछा गया एडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं, तो वो चीज़ हैंस लेना कि हैंस इन माय ओपिनियन डिसएडवांटेजेस आउटवे कर रही हैं या व्हाटएवर यू वांट टू से इन व्हाट मैनर, तो वो इसको रिपीट ज़रूर करना है।